राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र, मुंह में इस जल को आप रख करके सहवास करेंगे तो आपके संभोग शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, अस्तंभन शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, शीघ्र अस्खलन समाप्त हो जाएगा। एक ऐसी ही जल की चर्चा यहाँ पर करूँगा, यह आपको लाना है। वो है कौंच का जल। कौंच कैसा होता है गूगल पर जाके सर्च करेंगे, उसका इमेज मिल जाएगा, हर जगह उपलब्ध है, ला दीजिएगा। नहीं मिलेगा तो जड़ी बूटी की दुकान पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा, और फिर भी नहीं मिले तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। सहवास करने से पहले अपने मुंह में इसको रख करके अगर आप सहवास करते हैं तो आपकी अस्तंभन शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, शीघ्र अस्खलन खत्म हो जाएगा। पहले तो आपको कौंच की जड़ लाना है। कौंच की जड़ आपको एक अंगुल लेना है और मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूँ उससे इसको सिद्ध कर लीजिए। कौंच की जड़ को ला करके इसको मेरी प्रक्रिया से सिद्ध करके इसको प्रयोग में लाएंगे तो आपको देखिएगा अस्तंभन शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। एक एक प्रक्रिया को जरा देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। रीड करना है, यदि अपनी एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड कर पाऊंगा। और जब भी कोई प्रयोग करे तो अंदर से विश्वास का भाव और आपके मन में भौतिक जगत की कोई बातें नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस इस प्रयोग पर होना चाहिए। प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट का स्मरण करना कदापि ना भूलें। अतः सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने अध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके अध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वहीं लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चीज़ें आप लाए हैं उनको आप किसी पात्र में रख लीजिए, या चाहे तो वैसे ही आप ले करके अपने आप को बाएं हाथ पर रखना है। किस तरह रखना है मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि यह पात्र है और इसमें वो सामग्री आपने रखा है, हमें ऐसे या किसी पात्र में आपको रखना है सामग्री। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को पहले ऐसे रगड़ना है। कब तक रगड़ना है, जब तक ये हथेली पूरी तरह से गर्म ना हो जाए। जब गर्म हो जाए तो आपने इस पात्र में जो सामग्री रखा है, ये मैं पात्र लिया हूँ वैसे समझाने के लिए, इसमें कोई चीज़ है नहीं, लेकिन आप इसमें अपनी सामग्री रखेंगे और अपने बाएं हाथ पर ऐसे रखेंगे और अपने पांचों उंगलियों को दाहिने हाथ की इसके पास ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पात्र के अंदर उंगली नहीं जा रही है, उसके पास जा रही है। चीज़ों को आपको उंगली से टच नहीं करना है और आप अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति से जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है इसमें प्रविष्ट कर रही है। और साथ में यह भी कल्पना करेंगे कि आपके अध्यात्मिक गुरुदेव का भी इसमें एनर्जी आ रहा है और मेरी एनर्जी भी इसमें आ रही है। ऐसा आपको आंखें बंद करके फील करना है कि आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ गए हैं। फील करिए, एनर्जी आपके शरीर से होते हुए, हाथों से, उंगलियों से होते हुए इसमें जा रही है। 2-4 मिनट तक श्रद्धा भाव विश्वास साथ आप करिएगा, उसके बाद ही प्रयोग में लाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। एक बात और, हमसे संपर्क करने के लिए तमाम बहनें, माताएं हैं, भाई लोग हैं, फ़ोन कॉल का प्रयोग करते हैं। अधिक फ़ोन आने के चलते फ़ोन किसी का रिसीव नहीं हो पाता है, अतः अपनी सभी समस्याएं व्हाट्सएप पर मैसेज करें
और इस प्रयोग पर आगे चलिए। कौंच की एक उंगल जल की आपको लेकर के मुंह में रख करके सहवास करने से पहले अपने मुंह में रख लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके अस्थमन शक्ति में कितनी अधिक वृद्धि हो जाएगी। चमत्कारिक असरदारी प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। और जीवन से जुड़ा कोई समस्या हो और उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिएगा। धन्यवाद। राम राम।